ग्वालियर में नगर सेवा वाहनों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं की शिकायत मिलने पर परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान कई वाहन चालकों को नोटिस दिए गए। शहर में चलने वाली नगर सेवा वाहनों में स्कूली छात्राओं और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की शिकायत मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर असिस्टेंट आरटीओ रिंकू शर्मा ने चेकिंग पॉइंट लगाकर नगर सेवा वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस न होने पर वाहन चालकों को नोटिस दिए, साथ ही उनसे एक शपथ पत्र भी लिया जिसमे शराब पीकर गाड़ी न चलाना, कोई असामाजिक तत्व गाड़ी के अंदर किसी महिला या युवती से छेड़छाड़ करता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को देना, साथ ही कुछ सुरक्षा स्लोगन गाड़ी में लगा कर चलना। महिला अपन दिन ब दिन हमारे पास शिकायतें आ रही थी, समाचार पत्रों में भी पढ़ रहे थे कि ऐसा जो अपने नगरीय सेवा के वाहन है उसमें महिला यात्रियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, अभद्रता की घटनाएं हो रही हैं। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने आज ये अभियान चलाया है। पूरा जिन वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस है उनकी मॉनिटरिंग हमारे द्वारा हो रही है, उनमें हम उनकी तरफ से एक घोषणा पत्र ले रहे हैं जिसमें वो ये लिख के दे रहे हैं हमें कि उनके द्वारा जो महिला यात्री हैं उनके साथ सम्मानजनक ढंग से व्यवहार किया जाएगा और जो भी उनको सुरक्षित ढंग से गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। अगर कोई उनके वाहन में पुरुष यात्री महिला सहयात्री के साथ अभद्रता करते हैं तो इसकी वो रिपोर्ट करेंगे पुलिस थाने में या फिर 100 डायरी में इसकी रिपोर्ट करेंगे और नशे में वाहन नहीं चलाएंगे। और उन पर ऐसा पिंक कलर के ऐसे स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं स्ट्रिप जिन पे पुलिस हेल्पलाइन का नंबर लिखा हुआ है और महिला हेल्पलाइन और चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर लिखे हुए हैं।